के निधन पर बहुत ही अफसोस। सुषमा जी वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन थी। सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी उनको हमेशा याद किया जाएगा। मैं इनको यूथ कांग्रेस के ज़माने में से जानता था और जब 25-26 साल की उम्र में हरियाणा से चुन के आई थी, 77-78 की बात करता हूँ, और तब से हमारे संबंध भाई बहन की तरह थे और उनके मरने तक वैसे ही हमारे संबंध रहे। चाहे राजनीतिक तौर पर हम कई दफ़ा टकराव होता था, लेकिन वो टकराव हमारे जो पर्सनल रिश्ते थे भाई बहन के, उसके बीच में कभी नहीं आया। और कई विदेश की यात्राओं में, जब 90s में मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था और वो विपक्ष में MP थी, और कई पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस मैंने बाहर लिए, तो हमें कई दफ़ा खाने पीने उठने एक ही मंच से बोलने का और भारत की बात रखने का मौका मिला। तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में वो एक बहुत टॉल लीडर थी, बड़ी लीडर थी, बल्कि अटल जी के वक्त में उनके 2-3 लीडरों में उनका नाम गिना जाता था। वैसे दोबारा लीडर कोई मिलना मुश्किल होगा, जो विपक्ष में रहकर भी या सत्ता में रहकर भी दूसरी पार्टियों के साथ बराबर संपर्क बनाए रखती थी और पर्सनल और पॉलिटिकल चीज़ों को मिक्स नहीं करती। जब पॉलिटिक्स की बात होती थी तो वो खुल के विरोध करती थी, लेकिन जहाँ पर्सनल बात होती थी उसमें राजनीति नहीं डालती। मुझे बहुत अफसोस है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं अल्लाह और भगवान से यही दुआ करता हूँ कि उनको स्वर्ग में जगह मिले और उनके पति, उनकी बेटी, उनको भगवान अल्लाह हिम्मत दे दे कि वो इस बहुत बड़े सदमे को जो उन्होंने खोया है, हम सब ने खोया है, उसको बर्दाश्त करने बहुत अच्छा शेख, बहुत अच्छे सब। और मेरे ख्याल में उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी जो जवाब दिए और जो चर्चा हुई उसका जवाब कोई जवाब नहीं, और विदेश मंत्री के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उसको हमेशा याद किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय में मुझसे पहली थी, कुछ साल पहले स्वास्थ्य मंत्रालय में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनको जिस जिस मंत्रालय में वो रही हैं उसमें हमेशा उनको याद किया।